नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर साहब। बोलो। इस जमानत के ऑर्डर हैं। किसका है? करण का। नाम तुलसीबाई, पता कोठा नंबर 57, बेगमपुरा, पेशा वैश्या। वाह, क्या इज्जतदार जमानती है। मैंने तो सोचा था उसे छुड़ाने के लिए काले बाजार की कोई बड़ी हस्ती आएगी, लेकिन आई है तू। ये भी इतिहास में एक नई मिसाल होगी जब एक वैश्या ने अपने कोठे को गिरवी रखकर अपने यार को छुड़वाया। लगता है आजकल मोहब्बत सिर्फ तवायफ खानों में ही जिंदा है। दुनिया ने तो अपने दिल नफरत से इस कदर भर लिए है कि किसी और शय के टिकने की जगह ही नहीं बची। बेचारी मोहब्बत को तो हम तवायफों ने संभाल लिया, अब किसके दामन में अंगार है और किसके दामन में मोती, ये हम क्या जाने। इंस्पेक्टर साहब, तेरे इस मोती का तो रोज थानों में आना जाना रहेगा। कब तक छुड़वाती रहेगी उसको? जब तक मुझ में बिकने की हिम्मत है। अच्छा, बड़े तेवर है तेरे। मेरे साथ गलत सुर मत लगाना। ये जो चमड़ी का धंधा तुम लोगों ने लगा रखा है ना, सब बंद करा दूंगा। इस वर्दी की ताकत तू नहीं जानती। जिस वर्दी पे तुम्हें इतना गुमान है ना इंस्पेक्टर, बेगमपुरा में आना और देख लेना, शाम ढलते ही ऐसी कितनी ही वर्दियां हम तवायफों के कोठों के खूंटियों पे टंगी मिलती है। बकवास बंद कर वरना तुझे भी यही पर टांग दूंगा। हाय दैया, पुलिस में भर्ती होने से पहले धोबी घाट पे कपड़े टांगने का काम तो नहीं करते थे? सर, सर, मेरी रिक्वेस्ट है सर, ये कार्रवाई जल्दी पूरी की जाए तो मेहरबानी होगी। हवलदार साहब, रजिस्टर में एंट्री करो और जाने दो उसे। जान पे रहेगा, यहां दरख्तों के साए में धूप लगती है। चलो यहां से चले आज उम्र भर के लिए। आज यकीन हुआ कि पुलिस के इंसाफ और जुल्म में कोई फर्क नहीं। चलो करें।